ये देख लो, ये कहाँ पे एगी, यहाँ पे एगी नहीं बना हुआ, ये फ्लावर है एगी। चलो खड़ा हो, बिन के पास से खड़े हो जो, शाबाश। बिन के पास नहीं खड़े होते, देखें इसके काम। सुबह सुबह उठ गया और इसके काम चेक करें। ये किया नहीं है, किया नहीं है। इसके ना मैं बात सुनो, इसके स्पैगेटिस बनाएंगे ना, फिर खाएंगे। फिर देख लो, आप तंग करते हो ना, सब देख रहे हैं और हम तंग करते हैं। और मैं आज यहाँ पर फजीता फ्लेवर में स्पैगेटिस बनाऊंगी, और मेरा दिल चाह रहा था कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊँ इसको। और ये मैंने यहाँ पर स्पैगेटिस भी निकाली हैं, और ये देखें इसके अंदर से ये मसाला निकला, ये बहुत मज़े की स्पैगेटिस बनेंगी। और आज मैं, वैसे मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने लगी मसाले वाली, मैं दूसरी तरह से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज इसको ट्राई करते हैं, फजीता फ्लेवर बनाते हैं इसका। और सब्ज़ियाँ वगैरह भी कट हो रही हैं यहाँ पर सारी साथ साथ। ये फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे चीज़ें भी सारी कट हो चुकी हैं, सब्ज़ियाँ भी कट हो चुकी हैं, यहाँ पर चिकन भी कट हो चुका है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टमाटर को अच्छे से ना मैश कर लिया था डालने के लिए। और ये अब मैंने यहाँ पे इसको बनाना स्टार्ट कर दिया, इसमें थोड़ा सा लहसुन डाला मैंने, और घी डाल के मैंने इसको अच्छे से हल्का हल्का सा ब्राउन करना, उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, और साथ साथ मैं आपको दिखाती जाती हूँ। और ये देखें, अरे हम भी काफ़ी तंग कर रहे हैं आज, ये कुछ काम करने ही नहीं दे रहा। जब कुछ करना होता है ना, तब ये कोई काम नहीं करने देता। एक शूज़ पहना हुआ है और एक उतारा हुआ है, इसके काम चेक करें ज़रा। मैंने बहुत ज़्यादा रोना डाला है, बार बार आके चूल्हा बंद कर जाता है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। रो रहा है, कभी फ्राई होना स्टार्ट हो गया। और फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे चिकन तो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, और उसके अंदर ये जो मैंने ग्रीन अनियन का जो ये वाइट पार्ट है ना, जस्ट ये मैं इसमें डालूँगी थोड़ा, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। देखिए मैं कैचअप वगैरह नहीं ना डाल दी, इसलिए मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दिया, ताकि ये ना ज़रा थोड़ा सा ग्रेवी फॉर्म में आ जाए। मैंने जो इनका मसाला है ना, ये अब इसको खोल के डालूंगी, थोड़ा सा साथ में पानी डाल दूँगी, और थोड़ा सा सिरका डालूंगी। और देखिए अगर कम लगी नमक में, तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी, वरना फिर ना था, क्योंकि हम ज़्यादा मिर्चा नहीं खा। ये चिली सॉस, मुझे चिली सॉस बड़ा अच्छा लगता है, चिली सॉस में हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनी है, तो मैं अब इसको ज़रा टेस्ट करके देखती हूँ इसमें नमक मिर्च की क्या कमी पेशी है, फिर मैं इसमें साथ ही डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी हैं, सिर्फ यहाँ पर ग्रीन ऑनियन का जो ग्रीन पार्ट था ना, वो नहीं डाला, वो थोड़ा सा बाद में डालूँगी। और इसमें बस मैं थोड़ी सी सब्जियों को पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि फिर आपको पता है ना, ज़्यादा सब्जियाँ गलने तो मज़ा नहीं आता चाहिए इसमें खाने का, तो ये बस थोड़ी सी हल्की हल्की सी सब्जियों को पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें देखें जो ग्रीन पार्ट था ना, मैंने वो भी साथ में ऐड कर दिया, क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी सी छोटी हो गई हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी साथ में डाल दूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखें कितने मज़े की लग रही है ना स्पैगेटीज। इनके बच्चे के हाल देखें, ये क्या कर रहा है, इसको इसको चेक करें, ये क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इसने तंग किया हुआ मुझे। अब इसको भी नहीं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि मैंने जैसे कि सुबह का आगाज़ हो चुका है, और आज हम जा रहे हैं ज़ू, और वीडियोस मैंने आगे बनाई हैं, वो आप लोग देखना आगे, और साथ साथ ज़ू में भी जाएंगे, और जो कुछ भी फन करेंगे वो भी साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। और अभी घर से चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड आवाज़ लगा रहे हैं बार बार। तो फ्रेंड्स, अब वो यहाँ पर गाड़ी निकाल रहे हैं, हम सब वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और बस सामान यहाँ पर सारा कुछ रेडी है। देखिए सामान सारा रेडी, ऊपर से चावल भी आ रहे हैं, और बस हम निकलने लगे यहाँ से। अरे हम कहाँ जा रहे हो, इधर देखो मामा की तरह देखो। हम जू जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? जू जा रहे हो? जू जा रहा मेरा बेटा, वहाँ पे किसको देखना? अपने। इधर देखो, इधर तो देखो, कहाँ जा रहे हो? अरे हम कहाँ जा रहे हैं, हंस रहे हैं। अरे हम जू जा रहे हैं, पता ही नहीं से पीछे बैठे ना। ये देखिए अरहम के पापा भी जा रहे हैं जू। अरहम के पापा वहाँ किसको देखना? प्रिया को। प्रिया को भी देखना। और ये देखिए सबको, बिल्लो को दो देखो। और ये ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज्यादा रश है चिड़ियाघर के बाहर, और इतनी ट्रैफिक भी है, और अंदर यहाँ पे साइड पे गाड़ी भी नहीं खड़ी करने दे रहे हैं। बाबू आगे गाड़ी लगाने करके गए, और हस्बैंड मेरे वहाँ से टिकट्स वगैरह ख़रीदने गए हैं। हमने उनको बोला पहले आप टिकट्स ले लें, और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा रश है ना, आज संडे है इसलिए बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। ये बिल्लो भी आ रहे, हम अभी जगह देखने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर हम सुकून से बैठ सकेंगे, कुछ जगह डिसाइड कर लेना।
कितना खुश हो रहा है ना शितरमुर्ग को देख के। ये पता नहीं कौन सी नस्ल की जानवर है, इसका तो मुझे भी नहीं पता। ये देखें बच्चे यहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे हैं। वो देखो, अरे हमने बैठना ही नहीं यार, हम उनको जब बैठाना ना इसने रोना स्टार्ट कर देना। ये तो देखो, एंड हम अपनी पप्पो के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है इसको। ये फ्रेंड्स बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं ना, लेकिन अरे हम इसमें बिल्कुल नहीं बैठेगा क्योंकि उसके साथ ही रोना स्टार्ट कर देना। अभी कुछ तो बहुत हो रहा है। बैठना है आपने, आपने बैठना ऊपर, ये बैठना। खुशी हो रहा है लेकिन इसने बैठना नहीं है, इसने बहुत ज़्यादा रोना है। ये देखें फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जगह मिल गई और अब हम यहाँ पर खाना खाने लगे हैं। और ये देखें, अरे हमको ये अभी घूम गया था, इसको हम पकड़ कर लेकर आए हैं साथ साथ। खाना वगैरह हमने खा लिया और अब हम घूमने लगे हैं, हम सारा जू देखेंगे साथ साथ और हमको भी इंजॉय करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, एक मेल है एक फीमेल है, वो बालों वाला मेल है। अच्छा, उन्होंने इसको वो मेरे ख्याल से बांधा होगा ना, जंगले के साथ बांधा है। हाँ, वो काफी ऊंचा बनाया ताकि वो बाहर ना निकल सके, आए भी तो नीचे तक आए। हाँ, ऊपर से। हाँ, क्योंकि इधर नहीं आ सकते ना वो। ये इनका नाम भी लिखा हुआ ऊपर। इतनी देर तक, इससे पहले भी बहुत देर पहले, और इसके बाद मैं आप भाई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने सारे वो लिख के लगाए हुए हैं कि कौन सा जानवर किस साइड पर है। मजा आया क्या कैमल पे बैठ के, एंजॉय किया? चलो आओ, वो देखो ना डॉल्फिन, डॉल्फिन चलो बाय। वो देखो सारे बेबी खेल रहे हैं, अभी खेलो। भाग गया, नहीं तो ये खेलता नहीं इतनी जल्दी, खुश हो गया। अकेला नहीं जा रहा था वो, गई है ना साथ तो भी साथ चला गया वो भी। मज़ा आ रहा है, इस फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। वो अब बता रहे हैं यहाँ पर इस साइड पे टाइगर भी आ गए, तो हमको पापा कहते हैं पहले यहाँ से देख के जाते हैं फिर उसके बाद उधर जाते हैं। देखें राजा रानी, वो देखो फोर है, अरे हम टाइगर फोर है। इधर देखो, इधर देखो टाइगर सो रहा है, क्या कर रहा है आवाज़ लग। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये कौन कौन सी जगह पे। फ्रेंड्स बिल्कुल पास से इसको देखे के साथ साथ हम देख रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहा है। और हम टाइगर कहाँ है बेटा, सामने सामने है, सामने म्यूजियम। इन्होंने ये वैसे आर्टिफिशियल इन्होंने बनाया, ये सारा आर्टिफिशियल है। ये इन्होंने जितने मेरे ख्याल से जानवर यहाँ पर रखे हुए हैं ये सारे उसके मेरे ख्याल से बनाए हुए इन्होंने। ये देखे, ये देखें फ्रेंड्स कितने ज़्यादा मोर, ये वाइट कलर के मोर भी हैं, दूसरे मोर भी हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये देखें एक नीचे भी है, वो दो ऊपर बैठे हुए हैं। अरे हमको देखें, अरे हम तो वो क्रो को देखे कवा कवा। इधर देखो, मामा को भी बताओ, अरे हम हाँ कवा कवा नहीं क्रो क्रो, अरे हम क्रो क्रो। पहले हमने बारहसिंगा देखी थी और अब ये हिरन था। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने बारहसिंगा देखी थी अब और अब यहाँ पर आ गए हम हिरन देखने के लिए, कि कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अच्छा चुप चुप, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये पता नहीं क्या, ये मुझे लग रहा पहाड़ी बकरे हैं। नहीं पहाड़ी बकरे नहीं है, वही लग रहे हैं वो, देखो ये देखें। आप भी खिलाओ, अरे हम खिलाओ, आप भी, आप भी खिलाओ, ये को खिलाओ, ये को खिला दो, खा लो खा लो खा लो भाई डियर, खा लो खा लो, मेरे काके की फिंगर मत खाना। वो कितना खुश हो रहा है, खिला के उसको। अबू को कह रहे मुझे दो, मैं खिलाऊं। कैसे खाता था, कैसे खा रहा था, कैसे खा रहा था क्या आप, शर्म हो, इसको शर्म आती है, बड़ा तेज है ये। कुछ जानवरों के नाम तो पता ही नहीं हमें क्या क्या है, लेकिन मैं आपको फिर भी साथ साथ दिखाती जा रही हूँ कि कौन कौन से जानवर है यहाँ पर। और अभी ये जो जानवर दिखा ना इसका भी मुझे पता नहीं क्या नाम है, और आपको दिखाते हैं। हमने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया हो, आई होप सो आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा बहुत।
काम चेक करें। वाओ ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ वाइड लाइन। अब पता नहीं ये कौन सी कंट्री का, ये भी अफ्रीकन ही है। अफ्रीकन है ये। फ्रेंड्स ऐसी जगह पर आए ना तो फिर खुद को कम दिखाने का मौका मिलता है और चीजें ज्यादा दिखाने का मौका मिलता है। ये देखिए ये लूमड़ी, ये अब सिद्रा ने बताया पता नहीं यहाँ पर क्या चीज उसने देख लिया। कहते हैं ये भी देखो, मैंने कहा चलाओ हम ये भी देखने चलते हैं। ये देखें फ्रेंड्स अंदर बैठी हुई है, ये मेरे ख्याल से जंगली बिल्ली है मेरे ख्याल से। ये बहुत खतरनाक होती है ये जंगली बिल्ली, कैसे देख रही है सबको घूर घूर के। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं मंकी देखने के लिए। क्या हुआ, मामा नहीं मिल रही? ये फ्रेंड्स देखें पता नहीं किसका बच्चा खो गया और यहाँ पर खड़ा होते वो रो रहा है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हो रही थी ना चिड़ियाघर के लिए, इस तरह कुछ से। आपका नाम क्या है? आयान। और मामा पापा का नाम क्या? चलो आओ आओ इधर अनाउंसमेंट करें, चलो अनाउंसमेंट करेंगे, आपको मामा पापा आएंगे आपको ले जाएंगे, ठीक है? चलो आओ मेरा बेटा। ये देखें फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है एलिफेंट। अभी हमने एलिफेंट भी देखना है, आपको भी दिखाएंगे। और फ्रेंड्स हमने अनाउंसमेंट करवा दी, ये इनका ऑफिस था, यहाँ पर और भी दो चार बच्चे बैठे हुए थे अनाउंसमेंट उनकी भी करवा रहे थे। तो और हम भी आगे ऐसे ही भाग गया तो हम इतना ज़्यादा डर गए, हम भाग के तो साथ ही खड़ा हुआ। वो देखो कुर्सी माशाल्लाह वो कितना अच्छा लग रहा था आज इसका जो है ना, कितना प्यारा है। ये आ गया मंकी हाउस, ये देखिए मंकी के घर। अभी मैं आराम के पापा के साथ आ रही थी, आराम के पापा पापा घर आ गए, नहीं जी आराम के पापा का घर आ गए। और हम आप कहाँ आ गए हो पापा के साथ, कहाँ आ गए हो? ये मेरी तरह नहीं ऐसे चल, उसने भी लगता है हील पहनने भी है। नहीं नहीं नहीं, पर इतने छोटे छोटे से खिलौने हैं लेकिन उन्होंने इतने महंगे लगाए मैं बच्चों को देने के लिए। ये देखें, ये देखें यहाँ पर ये अंकल ये वाला कितने का दे रहे हैं, कितने का? 200 का। ये देख लें फ्रेंड्स छोटे छोटे से खिलौने हैं और कितने महंगे दे रहे हैं। पहले हम कभी देखते होते थे ऐसे काफ़ी ज़्यादा, और जब भी कभी आना ना तो ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। ये सारा आ गया बर्ड हाउस, ये देखें पैरट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत। ये कौन सी नस्ल के पैरट्स हैं, ये देखें आवाज़ें निकाल रहे हैं। हाँ कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, कितना एक्साइटेड हो रहा है, उसको कह रहा तुम भी चलो। पापा नहीं है यहाँ पे, पापा आते हैं, पापा कह रहे थे मेरा बेटा लेके आए ना, फिर मैं उसके बाद आऊँगा, फिर मैं अभी अरहम के पास जाऊँगा। दादा मेरे पापा कहाँ हैं, पापा पापा। अब इसको भी बैठाने लगे हैं, अभी इसने रोना भी है साथ साथ। ये देखें फ्रेंड्स बैठ गए ये दोनों, इन दोनों को दिल जा रहा था कि हम दोनों भी साथ साथ लें। इधर देखो इधर अरहम, इधर मामा की तरफ देखो अरहम। फ्रेंड्स स्टार्ट हो गया और अब अरहम के शोर की आवाज़ देखना उसे कैसे चिकन मानी। ये आ गया को मजा आया। चलो कितना ठंडा हुआ है, मजा आया मजा आया। चलो फ्रेंड्स बिल्लो ने ना चाय पी लिया, उसके अंदर एनर्जी आ गई, अब उसने कहा मैं अरहम को उठा लूंगी, उसने आज चाय नहीं ना पी हुई थी सुबह से, इस वजह से कह रही मेरी वीडियो ना बनाओ। नहीं नहीं मैं तो बनाऊंगी, चलो के लिए गया। अब हम घर जा रहे हैं, काफी इंजॉय किया, काफी मजा आया। मम्मी को भी देखे
मम्मी कहती है क्या बना रहे मम्मी कहती है बना लो मेरी भी बना लो अम्मी को नहीं हमने साथ साथ घुमाया अम्मी थक जाती ना इसलिए नहीं पहना मेरी का लगता नहीं डोरा छते ए वीडियो बना रहे हो जी वीडियो बना और ही बनाइए अम्मी ज्यादा एंजॉय कर रहे ना इस दिन आज उसने बहुत एंजॉय किया देखो अम्मी क्या कहती है यार कितना है ना एंजॉय की थी मेरे पुत्र हेलो फ्रेंड्स आप घर चलते हैं काफ़ी इन्जॉय किया काफ़ी मज़ा आया और आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आप लोगों को मज़ा आया हमारा आज का ट्रिप के नहीं अच्छा लगा कि नहीं लगा आज का हमारा ट्रिप आप लोगों को और इसी के साथ इजाज़त दें घर जाके वैसे अगर टाइम मिला तो वीडियो बनाऊंगी अगर ना मिला तो फिर अभी के लिए ही इजाज़त दें मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें को आप सब बताओ मज़ा आया फुल इंजॉय किया सब ने इंजॉय किया और हमको मज़ा आया और हम इधर देखो इंजॉय किया हैं बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा फन किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया अब हम घर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा थक गए हैं बाकी घर में जाके बात करें हम घर पहुंच चुके हैं बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अब कुछ बनाने को दिल नहीं चाह रहा और अब हम कल ही मिलेंगे अपने नए ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग ज़रूर देखिए और आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा और हमारी पिकनिक आउटिंग कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।